हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है किसी हिंदी पे। आज हम इस वीडियो के जरूर डिस्कस करेंगे यहाँ पे आरआरबी जेई फीस रिफंड के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, सर हमारा सीबीटी वन का रिजल्ट भी आ चुका लेकिन फीस रिफंड नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपके जो 400-450 रुपये रिफंड होने वाले उनके बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल अपडेट के जरिए आपको बताया गया था कि यहाँ पे 450-450 रुपये आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, फीस रिफंड नहीं हुआ तो आपको ये काम जरूर करना है बिल्कुल। हाँ, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके साढ़े जो भी आपका फीस रिफंड होने वाला वो नहीं होगा। एकदम सटीक जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाती है और सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ किसी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, सारे अपडेट एकदम सटीक जानकारी के साथ आपको मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और साथ में आपको बता दें अगर आप मुझसे कोई भी सवाल जवाब मुझसे करना चाहते हैं तो आप कमेंट के जरिए मुझसे कर लीजिए, उसका 5 से 10 मिनट में रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो आपको रिप्लाई करता होगा। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो आपको रिप्लाई करता होगा। ले चलता हूं अपडेट की ओर फटाफट। यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे 450-500 के लिए आपको क्या काम करना है और कैसे क्या अपडेट देना है। ठीक है, आपको मैं ले आएंगे यहाँ पे ऑफिशियल पेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल पेज आया था, उस नोटिफिकेशन जारी किया था, जब वहाँ पे बताया गया कि आपकी फीस है ना जो यहाँ पे जनरल और ओबीसी है जिनका फीस अगर यहाँ पे 500 रुपये लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया दिया था। और यहाँ पे एससी और एसटी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 250 रुपये यहाँ पे फीस ली जाएगी। इन्होंने साफ साफ पहले यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप किया था उस समय दिया था और आपके फीस चार्ज किए गए थे, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे जो फीस रिफंड किया जाएगा, ठीक है, फीस रिफंड किया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखा रहेगा। अगर आपका फीस, अगर आपने सीबीटी वन एग्जाम में बैठे हो, अगर आप चाहे पास किए हो या नहीं किए हो वो बात अलग है, अगर आपने एग्जाम दिया तो आपके 400 रुपये यहाँ पे रिफंड कर दिए जाएंगे। 400 रुपये का मतलब ये है कि पूरे 400 नहीं आएंगे, यहाँ पे 390 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, क्योंकि 10 रुपये बैंक चार्ज के अंदर कट जाता है। 390 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे जनरल और ओबीसी वालों के। ठीक है, और साथ में इन्होंने ये कहा था कि जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए यहाँ पे सारे के सारे मतलब 250 के 250 रुपये आपको यहाँ पे रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, बस बैंक चार्ज आपका लगेगा यहाँ पे 240 के समथिंग या 245 जितने भी रुपए आपके आते हैं वो आपके यहाँ पे रिफंड कर दिए जाएंगे। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोल दिया था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हमारा सीबीटी वन का एग्जाम खत्म हो चुका है, ऐसा अपडेट्स बहुत आए, तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि सर सीबीटी वन का एग्जाम कंप्लीट हो चुका और साथ में उनका रिजल्ट भी आ चुका, सबसे बड़ी बात यह अभी तक हमारा फीस रिफंड नहीं हुआ है, तो आपको बता दें कि अगर आपको अगर रेलवे को ऐसा इश्यू हो रहा है कि यहाँ पे अगर लोगों ने यहाँ पे जो बैंक अकाउंट दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट दिए हैं, क्या होता है कि कब कब अगर आपको कहीं ईमित्र के ऊपर अगर जाते हो, यहाँ पे अगर आप बैंक अकाउंट फिल नहीं करते हो और वो शॉप वाला फिल कर देता है तो वहाँ पे आपकी कंडीशन कुछ अलग हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया जाएगा ऑफिशियल साइट के ऊपर। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को कि आपको चेक करते रहना है। ठीक है, साइट ऑफिशियल साइट के ऊपर चेक करते रहना है कि यहाँ पे लिंक अपडेट किया जाएगा, उसके अंदर आपके अपडेट मांगेगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट और आपके अकाउंट की पूरी डिटेल आपके लिए मांगा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फीस रिफंड आपकी जब की जाएगी। ठीक है, अगर आपने नहीं किया, अगर उस समय आपने जो अकाउंट नंबर दूसरे यहाँ पे अकाउंट नेम दूसरा डाल दिया था प्रिफ्रेंस के लिए, तो उसमें आपका रिफंड नहीं होगा, जिस अकाउंट के अप्लाई किया था वहीं पर ही रिफंड होगा। ठीक है, तो आपको ये लिंक एक्टिवेट होगा उस समय करना है। अगर आप सोच रहे हैं सर कितने दिन बाद में होगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, इसके 5 से 10 दिन लास्ट लगेंगे, क्योंकि सीबीटी 2 का एग्जाम स्टार्ट होने वाला 28 अगस्त से, आपको शायद इस चीज़ का पता होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 5 से 10 दिन, जैसे आप सीबीटी 2 का एग्जाम स्टार्ट होगा उसके बाद में या उससे पहले भी जारी कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपका फीस रिफंड होने वाला है, क्योंकि आरआरबी में आरआरबी का जो एग्जाम लगा था, एलपी और सीबीटी 2 में भी एग्जाम लगा था, उसके बाद में भी पता क्या हुआ था कि यहाँ पर लोग ये सोच रहे थे कि सर हमारा फीस रिफंड होगा नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पर 20 से 25 दिन के अंदर या 20 महीने भर के अंदर, ठीक है, 1 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पर फीस रिफंड कर दिया गया था सभी स्टूडेंट्स का। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपको भी 1 मंथ से पहले पहले यहाँ पर फीस रिफंड कर दिया जाएगा। इस टेंशन ले अगर आप ये सोच रहे कि सर आरपीएफ में अभी तक हुआ नहीं, तो ठीक है, आरपीएफ अलग डिपार्टमेंट हो गया और यहाँ पे जो आरआरबी है वो अलग डिपार्टमेंट होगा, तो आपके फीस रिफंड जल्दी कर दिया जाएगा। वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए, सारे अपडेट एकदम सटीक जानकारी के साथ को मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको कोई भी सवाल जवाब मुझसे करना है तो कमेंट के जरिए मुझसे कर लीजिए, 5 से 10 मिनट में आपको रिप्लाई मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो आपको रिप्लाई करता होगा। बने हमारे चैनल साथ, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपने हमें कीमती समय, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ, आपने हमें कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।